आज टिप्स एंड ट्रिक्स में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे हमने सब्जी या कोई और चीज बनाकर रखी हुई है और बच्चा स्कूल से आता है और कहता है कि मम्मी हम रोटी परोंठा फुल्का कुछ नहीं खाएंगे सब्जी के साथ, हम सिर्फ दाल चावल खाएंगे, या उनके दादा दादी कहें कि आज हमारा पेट थोड़ा गड़बड़ है या हम आज लाइट फूड खाएंगे तो हमको दाल और चावल चाहिए, तो अब टाइम हमारे पास कम है गए तो हम अब क्या करेंगे। हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एक ही कुकर में दाल और चावल को अलग अलग किस तरह से हम एक साथ पका लेंगे। उसके लिए जो हमको सामग्री चाहिए वो है मूंगी की दाल एक कटोरी, एक कटोरी चावल, एक टीस्पून जीरा, एक टेबलस्पून देसी घी, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। हम साथ में आपको एक चीज और बताते हैं कि हमारी डब्बियां जो हैं वो गंदी हो जाती हैं रोज यूज कर करके। जब भी आप कुछ पकाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उन डब्बियों के ढक्कन खोल कर रखें ताकि उनपे गंदा हाथ लगे ही ना। एक सेपरेट सेपरेट आप स्पून रखें, उसको उसके बीच में डालें ताकि पीले रंग में लाल रंग ना लगे, लाल में पीला ना लगे और नमक जो है वो लाल पीला ना हो जाए। सबसे पहले हम दाल और चावल को भिगो लेंगे और वही दाल हमको भिगोनी है जो एक डेढ़ सीटी में पक जाती है, क्योंकि हमारे चावल भी एक डेढ़ सीटी में पक जाते हैं। अब हमने जो एक कटोरी का नाप लिया है उसके हिसाब से ये हमारे बासमती चावल है, इनको हमने भिगो लिया है। एक कटोरी चावल में हम सवा कटोरी पानी डालेंगे बस, और ये हमारी दाल है इसमें हम ढाई कटोरी पानी डालेंगे। अब हम एक लंबा स्टील का बॉक्स लेंगे और उसके अंदर हम अपने सारे चावल डाल देंगे। और हाफ टी स्पून नमक भी डाल देंगे। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर जो है वो लंबा होना चाहिए, उसके अंदर हम देसी घी डालेंगे तड़के के लिए, जीरा डाल देंगे, दाल, हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर जो है वो लंबा होना चाहिए, अब देखिए जब इसकी डेढ़ सीटी बज जाएगी तो आप इसको बंद कर दीजिए, फिर इसकी स्टीम को निकाल देना तो हमारी सीटी हुई। अब दूसरी स्टीम बंद, हमारी स्टीम निकल गई है, अब इसको हम खोलेंगे। अब हाथ पर कपड़ा लपेट कर हम इसको बाहर निकाल लेंगे, अब इसको हम यहां रखेंगे। ये हमने फॉइल इसलिए लगाई है ताकि इसकी जो स्टीम है इसके अंदर ही रहे। अब हम इसको खोलेंगे, ये देखिए हमारे चावल, देखिए दाना दाना कितना बढ़िया बना। अब दाल को देखिए, अब दाल देखिए हमारी दाल भी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और देखिए टाइम सेविंग बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व। हमारी टाइम सेविंग
इंस्टेंट दाल चावल रेडी और खाने वाले भी खुश।